बहुत बुद्धिमान है वहां के लोग। ये अकेला पड़ जाएगा वहां कैसे? ये तो उनका मसीहा बनेगा। मुझे आप लोगों से एक जानकारी चाहिए। एक अजनबी इस गांव में आता है, पृथ्वी पर बहुत दूर से खतरनाक दुश्मन आने वाले। मैंने इससे भी बदतर देखा है। वो आ गया। अगर तुम्हारा हीरो पेड़ से बिल्ली भी उतार ले तो तुम उसकी तारीफ में एक शानदार आर्टिकल लिख देते। मैं एक ऐसी टीम बना रहा हूं, एक ऐसी जहांबाज टीम। इंसान की वजह से आज बर्फ पानी बन गई, इसलिए इस पिछड़ी हुई जगह पर लोगों की मदद करने आते हो। ये इंसान जो तुम्हें अपना मसीहा समझते हैं, मैं उन्हें तुमसे छीन लूंगा। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक नए रूप में दिखाई देने वाले हैं, जो कि है शक्तिमान। अगर आप सभी लोग 90s से हो तो आप सभी को याद होगा कि शक्तिमान के बारे में जो उस समय का इकलौता सुपर हीरो था, और हम सभी लोग इस शो को देखना काफी ज्यादा पसंद करते थे और इस शक्तिमान के किरदार को निभाते हुए नजर आते थे मुकेश खन्ना। वही अब इस रोल को बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह निभाते हुए नजर आएंगे और ये फिल्म काफी ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में हमें हॉलीवुड लेवल का VFX एंड CGI सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, इस मूवी का बजट काफी बड़ा होने वाला है। मूवी का बजट 700 से 800 करोड़ के आसपास होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो मलयालम इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टरों में से वासिल जोसेफ के डायरेक्शन में इस मूवी को बनाया जाएगा, जिन्होंने एक से बढ़कर एक मूवी दी है। उनका यूनिक वर्जन और स्टोरी टेलिंग स्टाइल शक्तिमान को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। वहीं बात करें मूवी की स्टोरी की, तो शक्तिमान फिर से आया है। एक अजीब दुश्मन ने मुंबई की शांति को खतरे में डाल दिया है, जिसमें रणवीर सिंह अपनी दो अलग अलग अवतार में देखने को मिलेंगे, एक हल्का फुल्का पत्रकार पंडित गंगाधर और एक शक्तिशाली सुपर हीरो शक्तिमान के रोल में। वही फिल्म के डायरेक्टर वासिल जोसेफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शक्तिमान को डायरेक्ट करने के लिए, रणवीर सिंह के साथ काम करने के लिए। शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वो एक इमोशनल है। पहले बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो अभी तो मेकर्स की तरफ से शक्तिमान मूवी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो शक्तिमान मूवी हमें 2026 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सब शक्तिमान मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है?